ये मानवीय पहलू की खबर है। इस खबर को देखकर आप ये समझेंगे कि कैसे पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कैसे एक बच्ची की जिद ने उसके उसके सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर किया। तो चलिए खबर की बात कर लेते हैं और अगली खबर जो है उसको सुनकर चकराइएगा मत। खून से लथपथ क्या आप किसी परीक्षा में बैठ सकते हैं? आप खून से लथपथ हो, खून बह रहा हो, चोट लगी हो, पट्टी हो, आप बैठ सकते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। और आपको अपने एग्जाम की चिंता हो, इस स्थिति में सोचने लगे ना, बस इसलिए इस खबर को दिखा रहा हूं। खबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव इतनी ज्यादा है कि नेगेटिव स्टोरी छिप जा रही है, क्योंकि परीक्षा में पुलिस पास हो गई है। आप कहेंगे अब तक ज्ञानेंद्र भैया काहे पास फेल का पहेली बुझा रहे हैं, अब तक कुछ समझ नहीं आया है, साफ साफ क्यों नहीं बता देते? तो चलिए पूरी खबर बताता हूं और सीधे मुद्दे की बात करता हूं। ये तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर दिखाइए। दो तस्वीर हैं, मेरे दाएं योगेश्वर सेन हैं और बाएं योगेश्वर सेन की बेटी हैं। ब्लर इसलिए कर दिया है, चेहरा साफ इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि दोनों को गंभीर चोट आई है, खून से लहूलुहान है। बाप बेटी को बीएड की परीक्षा दिलाने एग्जाम सेंटर लेकर जा रहे थे। अब ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, दूसरी तस्वीर भी दिखाइए। बस पर सुपर फास्ट लिखा है, बस इसी बस के ड्राइवर ने सुपर फास्ट स्पीड में दोनों बाप बेटी को टक्कर मारी है। ड्राइवर की लापरवाही देखिए, टक्कर मारकर फरार हो गया, मानवता को तार तार कर दिया, शर्मसार कर दिया। पर धन्य थे आसपास के लोग जिन्होंने दोनों बाप बेटी का प्राथमिक उपचार करवाया। अब बात आती है पुलिस की, जो परीक्षा में पास हुई है, क्यों कैसे ये सब बताते हैं। परीक्षा स्किप करने का मतलब सोच रहे हैं आप कि आज मेरी परीक्षा है, मेरा एंट्रेंस है, मेरा पूरा साल बर्बाद हो सकता है, मेरा करियर बर्बाद हो सकता है, हो सकता है इसी परीक्षा में मुझे कुछ बहुत बड़ा मिल जाए, बहुत कुछ हासिल हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, करियर तबाह हो जाता है कभी कभी तो। लेकिन लड़की की दरिया दिली देखिए। इस खबर को जब मैं आपको बता रहा हूं तो अब मुद्दे की बात करता हूं कि क्यों मैं इस खबर को दिखा रहा हूं, आप सुनते जाइएगा, बस सुनते जाइएगा। सर पर गंभीर चोट लगी थी लेकिन फिर भी परीक्षा देने की जिद थी, उसने ठान ली थी कि अब जब लड़की के हौसले बुलंद थे तो पुलिस ने भी अपनी विशेष पहल दिखाई और सीधा छात्रा को परीक्षा सेंटर छोड़ने चली गई। देख लीजिए तस्वीर, महिला पुलिसकर्मी छात्रा को परीक्षा सेंटर पर छोड़ने जा रही है। बहुत सुंदर तस्वीर है, इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस परीक्षा में पास हो गई है।